बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू को उनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से जाना जाता है। उन्होंने इसकी मिसाल पिंक, मुल्क, बदला, जुड़वा 2 और मनमर्जिया जैसी फिल्मों में पेश की है। एक्टिंग के अलावा तापसी पन्नू अपने बेबाक अंदाज के लिए भी पहचानी जाती हैं। उन्होंने हाल ही में फिल्मों में खुद को रिप्लेस किए जाने सहित कई बातों पर खुलकर अपनी बात रखी। तापसी पन्नू ने इस दौरान खुलासा किया कि प्रोड्यूसर्स उन्हें बैड लक चा मानते थे, इसलिए उन्हें अपनी फिल्मों में नहीं लेते थे। तापसी पन्नू ने फिल्म फेयर से बात करते हुए कहा, मुझे शुरुआत में कुछ अजीब चीज़ों का सामना करना पड़ा जो अच्छी नहीं थी। मुझे फिल्म में रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि हीरो की पत्नी नहीं चाहती थी कि मैं फिल्म का हिस्सा बनूं। मैं अपनी एक फिल्म के लिए डबिंग कर रही थी, तभी मुझे बताया गया कि हीरो को मेरा डायलॉग पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे इसे बदलना चाहिए। जब मैंने इसे बदलने से इनकार कर दिया तो वो डबिंग कलाकार ले आए। एक समय था जब मुझसे बोला गया कि हीरो की पिछली फिल्म सफल नहीं रही, लिहाजा अपनी फीस कम कर लो ताकि बजट ना बिगड़े। कुछ हीरो ऐसे भी रहे जो चाहते थे कि मेरे परिचय सीन बदल दिए जाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके परिचय सीन पर हावी हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे सामने हुई हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या क्या हुआ है। तापसी पन्नू ने आगे कहा कि मैंने तय कर लिया कि अब से मैं केवल वैसी ही फिल्में करूंगी जो मुझे काम पर जाने के लिए मोटिवेट करें और खुशी दें। बता दें कि तापसी पन्नू आखिरी बार फिल्म थप्पड़ में नजर आई थी। तापसी पन्नू इस साल काफ़ी बिजी हैं क्योंकि उनके एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं। एक्ट्रेस की आने वाली फिल्म में विलन मैथ्यू की हसीन दिलरुबा है। इस फिल्म में उनके साथ विक्रांत मैसी लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा रश्मि रॉकेट जैसी फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं। फिल्मों में इधर तापसी पन्नू ने अपने बेबाक विचारों से भी सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश की रिपोर्ट।